दोस्तों रोबोट 2.0 एक इतिहास रचने वाली मूवी है। जी हाँ, बताते चलें कि इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड वाइड में तकरीबन 10,000 स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया जा रहा है। साथ ही साथ इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही तकरीबन 370 करोड़ की कमाई भी कर ली है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। जी हाँ, रमेश बालन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया कि रोबोट 2.0 पूरे वर्ल्ड वाइड में तकरीबन 10,000 स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, रमेश बाला के अनुसार इस फिल्म को पूरे इंडिया में तकरीबन 7500 स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया जाएगा। वहीं ओवरसीज की बात करें तो ओवरसीज में इसी फिल्म को तकरीबन 2500 स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस तरह रोबोट 2.0 को इंडिया और ओवरसीज में तकरीबन 10,000 स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया जा रहा है। पूरे 26 देशों में इस फिल्म को एक साथ रिलीज किया जाएगा। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के 370 करोड़ कलेक्शन की, तो जी हाँ, आपको बता दें कि तीन भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स को 120 करोड़ रुपए में बेचा गया है। वहीं अगर इसके डिजिटल राइट्स की बात करें तो डिजिटल राइट्स को तकरीबन 60 करोड़ में बेचा गया है। जी हाँ, वहीं नॉर्थ एरिया में इस फिल्म के राइट्स को एडवांस बुकिंग के बेसिस पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए में बेचा गया है। इन सब के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स को तकरीबन 70 करोड़ रुपए में बेचा गया है। वहीं कर्नाटका को पूरे 25 करोड़ रुपए में बेचा गया है। वहीं केरला को तकरीबन 15 करोड़ रुपए में इस फिल्म का राइट्स बेचा गया है। तो दोस्तों इस तरह इस फिल्म को रिलीज से पहले ही 370 करोड़ का फायदा हो चुका है। वैसे दोस्तों अगर हम तमिलनाडु के राइट्स के बारे में बात कर लें तो लाइसा प्रोडक्शन ने वहां की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी खुद पे ले ली है। तो दोस्तों इस तरह ये फिल्म अपने बजट को आराम से पूरा कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अपना कितना तक कलेक्शन कर पाएगी और इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना तक जा सकता है, क्योंकि इस फिल्म को पूरे 26 देशों में एक साथ रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों आप जो भी इस बारे में सोचते हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।